আমরা চলে এলাম আজকে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করার জন্য। আজকে আমরা আমাদের ভিডিও শেয়ার করব। আজকে আমরা যে ভিডিওটি দেখো বলছি, টাইটেলটা শুনলে বুঝতে পারবে, রাইজ এন্ড ফল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কমপ্লিট কেস স্টাডি অন বেঙ্গল কমিউনিটি। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওটি হচ্ছে বাংলা কমিউনিটি নিয়ে। তো এই ভিডিওতে নিশ্চয়ই আমরা বাংলা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবো। আর এই ভিডিওটি নিয়েছি আমরা ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর বিবেক বিন্দ্রা মোটিভেশনাল স্পিকার, ওনার ইউটিউব চ্যানেল থেকে। তো এই ভিডিওর অরিজিনাল কপিটিও আমাদের ভিডিওর নিচে দেওয়া থাকবে, চাইলে আপনারা সেখান থেকে অরিজিনাল ভিডিওটিও দেখে নিতে পারেন। তো চলুন দেখে আসি বাঙালিদের সম্পর্কে কী কী বলছে ওনার ব্যাপারটা। এটা अगर आप किसी ऐसे घर में जहाँ सारे लोग मछली खा रहे हैं, हर तकलीफ में बोरोलिन लगा रहे हैं और सारव गांगुली की बैटिंग का रिपीट टेलीकास्ट चला रहे हैं, समझ लेना आप किसी बंगाली के घर में हो। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। मैं वेजिटेरियन हूँ। बंगाल में क्या, मैंने बोला कुछ वेजिटेरियन दे दो बिना अंडे के, बोला मछली खा लो। उनके लिए मछली वेजिटेरियन है। जॉलियर फॉल जॉलेर फल, जॉलेर फल वाला फल है जी। ये फिश मार्केट शायद मुद्दा वहीं से आया था जब इतने सारे लोग इतनी सारी मिलके बातें करते हैं। वैसे मारवाड़ी कहता है अगर आप पे कोई नींबू फेंके तो नींबू पानी का धंधा शुरू कर दो, और बंगाली कहता है अगर आप पे कोई नींबू फेंके तो दाल भात में निचोड़ के उसे खाना शुरू कर दो। सारी दुनिया कहती है बंगाली माँ कहती है तू पढ़ता क्यों नहीं है, अगले साल तेरे एग्जाम है। माई लाइफ माई रूल सारी दुनिया बोलती है, बंगाली कहता है माई लाइफ, लेकिन माँ जो बोल बे ताई हो बे। ये मामा से बॉय होते हैं। और मैं भी थोड़ा बांग्ला सीख रहा हूँ। बांग्ला एक मिष्टी लैंग्वेज है। मैं बीच में गया था वेस्ट बंगाल, वहाँ एक रिक्शा वाला मिला, मैंने कहा थाको थाको उखाने जाबे, तो मैंने पूछा कतो टका कितना पैसा, वो बोला कुड़ी टका, कुड़ी मतलब 20 रुपया। मैं बोला नो 15 टका, वो बोला नो नो कुड़ी टका। मैं थोड़ा थोड़ा बांग्ला बोल के सीख रहा हूँ, अच्छा लगा। मैंने बोला तुम्ही अमार बंधु, जैसे उसने देखा बेचारा नॉर्थ इंडियन बंगाली बोल रहा है, बोला ओके बोशुन बैठ जाओ, मतलब आमी बांग्ला बुझते पारो, मुझे बांग्ला समझ में आती है। वैसे आज के वीडियो में राइज एंड फॉल ऑफ बंगाल पूरी आज पे चर्चा करने वाले, बहुत वीडियोस बना रहा हूँ पूरी एनर्जी में। स्टीव जॉब्स, मारवाड़ी, मेरी कॉम, डी मार्ट, लाइफ इन 2050, गांधी, सिंगापुर, मैकडॉनल्ड्स, आने वाले समय में तेंदुलकर, अजीत डोवाल पे, सुंदर पिचाई, यूएस कैसे आगे बढ़ा, वॉरेन बफे, सक्सेस हैबिट्स ऑफ बिलियनियर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं। हमारे चैनल का अगर एक भी वीडियो देखे बगैर छोड़ दिया, समझ लीजिए आपने अपने बौद्धिक विकास से नाता तोड़ दिया। कई फैसिनेटिंग फैक्ट बंगाल के बारे में। कैलकटा जो कि एक्चुअली अंग्रेजों के टाइम पे कैपिटल हुआ करता था, आज दिल्ली नेशनल कैपिटल, मुंबई बिजनेस कैपिटल, और कोलकाता क्या है, एक कल्चरल या फूड कैपिटल बन के रह गया है। एसबीआई जो पहला बैंक था वो पहले एक्चुअली कोलकाता का ही बैंक ऑफ कैलकटा कहलाया जाता था। एशिया की सबसे बड़ी फूलों की मंडी, फूल का व्यापार ये बंगाली लोग करते हैं, बंगाल के अंदर ही सारा फूल का व्यापार किया जाता है। हजारों कोलकाता में आपको मिल जाएंगे जो तरह तरह के फूल बेचते हुए। पहले क्रिकेट स्टेडियम बहुत आगे हुआ करता था इनका, ईडन गार्डन, अब इस समय तो आजकल नरेंद्र मोदी जी के नाम पे स्टेडियम आ गया है। पब्लिक लाइब्रेरी हमारे देश की सबसे बड़ी कोलकाता में है। वैसे आप कभी बाजार में निकल जाना, बाजार में निकलोगे सब्जियों के ठेले जितने मिलेंगे लगभग किताबों के ठेले उतने मिल जाएंगे। बंगालियों को किताब पढ़ना पसंद है। बंगाल बड़ा फेवरेबल रहा है फर्टाइल सॉइल, पानी के मामले में फेवरेबल क्लाइमेट है, खेती के मामले में। और पहला ऑपरेटिंग पोर्ट भी बंगाल में ही था जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1870 में बनाया था। बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी कि भाई धंधा करना हो तो बंगाल में जाओ, सबसे बढ़िया पोर्ट बना दिया सबके लिए। बंगाल एक कैश काउ था, हावड़ा ब्रिज या हावड़ा रेलवे स्टेशन बिजनेस, और सबसे बड़ा हर औरत वहाँ पे बिंदी बहुत लगाती है, बिंदी का बड़ा सिस्टम है वहाँ पे। जीन्स पहनो बिंदी, मोटी बिंदी, साड़ी पहनो तो भी मोटी बिंदी। दुर्गा पूजा इतना मनाते हैं कि दुर्गा पूजा के टाइम हफ्ता 10 दिन सब कुछ बंद, कोई ट्रेनिंग कोई सेमिनार होबे ना सब बंद है, दुर्गा पूजा होबे। वैसे काफी लोग श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं,
श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं राधा कृष्ण ना ही अन्य, वहाँ पे सिंगिंग डांसिंग पेंटिंग वगैरह में अपने आप को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सारे बंगाली बिजी रखते हैं दिन भर, वही करते हैं समय। लिटरेचर पोएट्री डांस म्यूजिक चार चीजें बच्चे को एक की नहीं वाला बोलो इधर शो तो बच्चारा हम लोग सब गुलाई सिखाए तारपर जेटा हो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्स्ट्रा कोर्स के नहीं लेते हैं ये लोग। बंगाली तो वैसे कहते हैं कि बंगालियों का जन्म या तो गाने के लिए या लिखने के लिए हुआ है, दुनिया के सारे गंदे काम बाकी लोग करेंगे लिखने के अलावा सारे काम गंदे काम होते हैं, कहते हैं बाकी गंदे काम बाकी दुनिया गान गावा बोलेगा अच्छा सुलगा। रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी सबको नोबेल प्राइज मिला, ऑस्कर अवार्ड सत्यजीत रे को बंगाल से मिला, भारत रत्न विधान चंद्र रॉय, सत्यजीत रे, अरुणा आसफ अली, अमर्त्य सेन, पंडित रविशंकर, स्पीड से बोलता हूँ मेरे कंटेंट में लगे रहे ना, परमहंस चैतन्य महाप्रभु, एसी भक्तिविनोद स्वामी श्रील प्रभुपाद जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, चैतन्य महाप्रभु ने गौड़िया वैष्णविज्म दिया है, इसको गौड़ देश भी बोला करते थे, गौड़िया बहुत बड़ा हिस्सा है नमोद्वीप, वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे एक्सटेसी ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र दिया, हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए आनंद में जीना, हरे कृष्णा हरे को भी हरे बोलते हैं, सारे भी बहुत आए वहाँ पे भैया, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, कुमार सानू, शांत श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, बप्पी लहरी, लेकिन सब आए, एंटरप्रेन्योर नहीं, एंटरप्रेन्योर के बराबर है, बड़े लेजी लोग होते हैं बंगाली, उनके साथ कम्पीट करना बड़ा आसान है क्योंकि वो ज़्यादा कुछ करेंगे ही नहीं, सारे दिन में दुकानें बंद देखोगे आप, कोई दुकान दिन में चलती नहीं है, वो सेटिस्फाइड है, जितना पैसा कमा लिया बहुत है, जितना सावर जो कमा लिया बहुत है, उसके आगे कोई काम नहीं करेंगे, थोड़े आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, टॉकेटिव, लाउड माउथेड होते हैं, डॉगमैटिक होते हैं, डॉगमैटिक माने कोई चुटकुला पसंद नहीं, हंसते हंसाते ज्यादा हंसते खेलते नहीं, नॉर्थ इंडियन जैसे हर बात पे चुटकुला करते हैं, आप कभी बंगाली स्टैंड अप कॉमेडियन कम ही मिलेंगे, इंटेलेक्चुअली थोड़े एरोगेंट होते हैं, बंगाली लड़कियां वैसे बड़ी वोकल होती हैं सोशल चैलेंजेस के मामले में, ये लोग जब डिस्कशंस करते हैं डिसएग्रीमेंट भी अलाउ करते हैं, भैया कोई दिक्कत नहीं, डिबेट इनको बहुत पसंद है, सालों साल से बंगाल में बहुत डिबेट हुआ करती थी, पर मैंने बताया कि यही सब करते हैं, बातें करना इनको पसंद है, आइडियल बातें करा लो, बैठ के खूब बातें करा लो, अपने ऑफिस में लेट आएंगे, जल्दी चले जाएंगे, दोपहर को बंद कर देंगे, कहते हैं कि अगर 10 बंगाली इकट्ठे बैठे हो तो उन पे 11 ओपिनियन निकले, 2 बंगाली इकट्ठे हो तो मतलब 1 3 बंगाली इकट्ठे हो तो 2 पॉलिटिकल पार्टी, बंगाली का चक्कर क्या है, वो इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर अच्छा है, इंडिविजुअली अच्छा कर लेगा, आर्टिस्टिक होगा, पॉलिटिकली इंक्लाइंड होगा, वो क्या कहते हैं जैसे गोपाल कृष्ण गोखले भी कहा करते थे कि जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचेगा, रिस्क नहीं लेते हैं जिंदगी के अंदर, कम बंगाली के साथ ही बंधु, तुम ही अमर बंधु, तो बंगाली बंगाली के साथ ही दोस्ती करता, दूसरों पर ट्रस्ट करता ही नहीं, दूसरों के साथ रहता नहीं, क्लोज कम्युनिटी में रहते हैं, जैसे आप जानते हैं एक वेस्ट बंगाल दिल्ली के अंदर भी है, सीआर पार्क, ये थोड़े इसीलिए रेसिस्ट भी कभी कभी माने जाते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा ये आरोप लगता है कि भाई एम्बिशियस नहीं है, एवरेज इंडियन थोड़ा एम्बिशियस होता है, भाई कुछ बड़ा करेंगे, हाँ जैसे गुजराती क्या बोलता है, जीवन में का एक मोटू कर वो, इनको कुछ नहीं मोटू है, इनका क्या है, जीवन में घूमा अच्छे मतलब दाल भात खावे, घूमा अच्छे मतलब घूमने नहीं जाते, घूमा अच्छे मतलब ये बंगला बोले घूमा अच्छे, बंगाली का फैक्ट क्या भैया, ये बंगाल के बाहर बंगाली फिर भी सफल है, बंगाल के अंदर क्या है, वैसे दुनिया में कितने बंगाली मालूम, लगभग 30 करोड़, 10 करोड़ वेस्ट बंगाल में है, 16 करोड़ बांग्लादेश में है, और बाकी थोड़ा आसाम, बिहार, त्रिपुरा, उड़ीसा, उड़ीसा में और मेघालय में भी है, और दुनिया के कुछ देशों में है, ये अपने पुराने जिंदगी की खूब बात करते हैं बंगाली, बहुत फेवरेट टाइम पास इज देयर पास टाइम, जो पहले हुआ करता था बंगालियों के विषय में, थोड़ा बड़ा नॉस्टैल्जिक रहते हैं, उसको लेकर थोड़ा एक्साइटेड रहते हैं, और लेकिन नोबल लॉरियट्स की अपनी बात करते हैं, पर सच्चाई, आज सच्चाई क्या है, आज गुजरात इज वन ऑफ द मोस्ट वेल्दीएस्ट स्टेट, पर बंगाल इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, ऐसा समझो कि गुजरात की जो पर कैपिटा इनकम, इंडिविजुअल गुजराती की इनकम, आज एक गुजराती की एवरेज इनकम 2,52,000 रुपया साल की, पर बंगाल की उसकी आधी भी नहीं है, 1,15,000 रुपया, आज आपको पता है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB कहता है कि पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा औरतों को अगर बेचा जाता है, बच्चों को बेचा जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज़, तो उसके अंदर बंगाल नंबर वन पे है, एक 3/4 यानी कि 75% पॉपुलेशन तो केवल गांव के अंदर रहती है, बुरा हाल है, इतनी गरीबी है कि आज पूरे देश में 4 लाख भिखारी है, उनमें से लगभग 1 लाख खाली बंगाल के अंदर है,
मानसून डूब गई है, 4 लाख भिखारी पूरे देश में, उसमें से 1 लाख खाली बंगाल के अंदर, इतना भिखारी है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गरीबी इतनी ज़्यादा इसलिए क्योंकि अर्बनाइजेशन नहीं हो रहा, शहरीकरण नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, वहाँ एंटरप्रेन्योर नहीं पैदा हुए ना बेसिकली, वहाँ पे बिजनेस नहीं कोई करता है, वहाँ बिजनेस जो हुए बंद हो गए, इलिटरेसी बहुत है, वहाँ पे आइडियल है, लोग खाली बैठे हैं कि होबे ना कुछ होबे ना, वहाँ एक्सप्लॉयटेशन हुआ पैसे वाले लोगों का, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जब रोड नहीं चलेगी, रेल नहीं होगी, एयर नहीं होगा, जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे, हॉस्पिटल्स, फ्लाईओवर्स नहीं होंगे, जब कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन या होटल्स नहीं होंगे, वैसे तो पहला अंडरग्राउंड मेट्रो अंग्रेजों के टाइम पे कोलकाता में बनाया, लेकिन आज किधर रह गया, खत्म हो गया, पहला इलेक्ट्रिक ट्राम सिस्टम वहाँ 1902 का बना था, आज उसको शट डाउन कर दे क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट वो कहता है कि 9 डिस्ट्रिक्ट तो बंगाल के ऐसे हैं जो हाई पावर्टी रीजन में आते हैं और बाकी सारे मीडियम पावर्टी रीजन में आते हैं, वेस्ट बंगाल को सबसे गरीब राज्यों में उसका नाम दे दिया, क्यों दे दिया, ये आज एम्बेरसमेंट है, शर्म की बात है लेफ्ट सरकार के लिए, उनके लिए। देखो ना, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, नॉर्थ साउथ, दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद या नदिया, नवद्वीप जिसको बोलते हैं, बीरभूम, और ये सब में तो 40-60% लोग बिलो पावर्टी लाइन रह रहे हैं। पावर्टी क्यों होती है, जब किसी शहर में किसी गांव के साथ ट्रांसपोर्टेशन ही ना हो तो शहर के साथ वहां बिजनेस होगा नहीं, तो वहां गरीबी और बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन की वहां दिक्कत है। पावर्टी कब खत्म होती है, जब आप इकोनॉमिक प्रोडक्शन के जोन के नजदीक आ जाते हैं, जहां व्यापार बिजनेस हो रहा हो, जब उसके नजदीक रहते हैं तो वहां पर तनख्वाहें मिलती हैं, नौकरियां मिलती हैं। लेकिन हुआ क्या, वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बन गया। ये दो प्रोफेसर थे अपने, मैथ्रिस घटक थे और दूसरे का नाम था मेरे ख्याल संचारी रॉय, ये दोनों ने गुजरात की इकोनॉमी के साथ एक कंपैरिजन भी निकाला कि 16 बेस्ट परफॉर्मिंग जो स्टेट हुआ करते थे इंडिया के, और उसमें किस किस का नाम लिया इन्होंने, इन्होंने देखा, पहले तो देखो कि ग्रोथ रेट जहाँ ज़्यादा हो, पर कैपिटा इनकम हो, इसके अलावा इनइक्वालिटी चेक करो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करो, बिलो पावर्टी लाइन चेक करो, तो उसमें हरियाणा का नाम अच्छा आया, कर्नाटका का अच्छा आया, महाराष्ट्र का अच्छा आया, पंजाब का अच्छा आया, तमिलनाडु का अच्छा आया, वेस्ट बंगाल का किसी भी चीज़ में कहीं पर कोई नाम ही नहीं आया। मुद्दे की बात यह, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बंगाल आज 28 राज्यों में 28वें नंबर पे है, और बाकी वैसे उससे रहेगा बिहार, इनमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है ही नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है बेसिकली, उसमें 3 बातें होती हैं, एक क्या होता है उसके अंदर आपका एजुकेशन होता है, दूसरा हेल्थ होता है, और तीसरा पर कैपिटा इनकम। इन तीनों के मामले में इस समय बंगाल सबसे पिछड़े हुए राज्यों में है। फिस्कल डेफिसिट क्या है, डॉलर का आना और डॉलर का जाना, बंगाल के अंदर डॉलर आता ही नहीं है क्योंकि वहाँ कोई एक्सपोर्टर ही नहीं बैठे हैं। जब एक्सपोर्ट करोगे तो डॉलर आएगा तो राज्य मजबूत बनेगा। फिस्कल डेफिसिट में बंगाल सबसे पीछे है। बंगाल आज इसकी बात नहीं करता है, आज इकोनॉमिक डीके जो हुआ है, इंडस्ट्रीज बर्बाद हुई हैं, पॉलिटिकल वायलेंस हमेशा होता है, लैक ऑफ जॉब्स जो है, इसके बारे में बंगाल बात नहीं करता है, क्योंकि कोलकाता वैसे पहला ऐसा शहर था जहां पे आईटी हब की बात की गई थी, लेकिन उस समय के जो मुख्यमंत्री थे ज्योति बासु, उन्होंने क्या बोला, भैया अगर कंप्यूटर आ गया तो सबकी नौकरी चली जाएगी, कंप्यूटर आता है तो नई प्रकार की नौकरी आती है, नौकरी जाती नहीं है। 1980 में सोचते थे कंप्यूटर आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, आज कंप्यूटर आ गया, नई प्रकार की नौकरियां आ गई। लेकिन हुआ क्या, कोलकाता ने, वेस्ट बंगाल ने वो आईटी हब की अपॉर्चुनिटी को मिस किया, बैंगलोर ने पकड़ लिया, और आज असर देख लो, आज बंगाल से, आज जब बैंगलोर में 100 नौकरियां आती हैं तो 100 में से 30 लोग कोलकाता से आते हैं जॉब को अप्लाई करने के लिए, अगर ज्योति बासु ने उस समय ले लिया रहता। बात बड़ी सिंपल है कि बंगाली प्राइड इस सब के चक्कर में जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है उन सबको इग्नोर कर दिया गया। इनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बंगाली के लिए कोई पैशन नहीं है बिजनेस का। आज 64 साल की उम्र में मुकेश अंबानी नई नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ग्रोथ की, और बंगाली का कह रहा है घुमाच्छे, मतलब मैं सोने जा रहा हूँ, इकोनॉमिक का सेंस नहीं है ना। अब ये सब हुआ क्यों, इसके पूरे इतिहास को समझते हैं क्विकली, जब मेरे साथ बैठे हैं तो इन डेप्थ केस स्टडी, हाई स्पीड पे, सुपर डेटा चलो बोले। आप बंगाल जो है ना वो लीड किया करता था मैन्युफैक्चरिंग में, बिजनेसेस में, इंडिपेंडेंस से पहले। इंडिपेंडेंस जब हुआ उस समय में भी वो इंडस्ट्रियल पावर हाउस था पोस्ट इंडिपेंडेंस। 1940 में अगर पूरे देश में सबसे ज़्यादा नौकरियां थी तो वो बंगाल में हुआ करती थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 5 जूट मिल हर साल बंद होने लगी। 1960 लेकिन जैसे जैसे CPM लेफ्ट की सरकार आई, आप इंडस्ट्री खत्म होने लगी, लेबर अनरेस्ट बढ़ गया, लेबर के झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ गए। 1965 से 1970 के बीच में सारी नौकरियां खत्म होने लगी क्योंकि सारे बिजनेसेस वहाँ लेबर के कारण परेशान। लेबर का क्या मुद्दा है वहाँ पे, भाई तुम और हम सब बराबर, लेबर ही सब कुछ है, लेबर ही सब कुछ है, और उस चक्कर में बिजनेसेस का ध्यान
बिजनेस पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और एक साल बीच में क्रॉप का फेलियर आ गया, सूखा वूखा पड़ गया, इन्फ्लेशन हो गया, तब हालत खराब हो गई। 56,000 फैक्ट्रियां इकट्ठे 1970 के बाद बंद हो गई। ओ माय गॉड, ये इंफॉर्मेशन तो हमने कभी नहीं जाना। कारण बड़ा सिंपल है, सोशलिस्ट पॉलिसी थी, बिल्कुल हम सब बराबर हैं, स्ट्राइक्स थी, हम सब बराबर हैं तो स्ट्राइक कर दो, और इनफ्लेक्सिबल लेबर लॉ, लेबर के बारे में सब कुछ सोचना, बिजनेस के बारे में सोचना नहीं। तो पहले उसके बाद फूड राइट्स भी हुए, और फिर तो फिर नक्सलवाद आता चला गया। लाइसेंसेस बंगाल को कम मिले, महाराष्ट्र को ज़्यादा लाइसेंस मिले 1977 में। आदित्य बिरला की जो स्टोरी है उसने मेरे दिल को थोड़ा हिला दिया। द आदित्य बिरला की बात कर रहा हूँ, द आदित्य बिरला 1960s-70s की बात कर रहा हूँ। आदित्य बिरला के बारे क्यों बोलते थे, बिरला के बारे में क्या कहते थे वहाँ बंगाली लोग, कहते थे ये पैसे वाला है क्योंकि हम गरीब हैं, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि ये ठीक है। आदित्य बिरला को एक्चुअली क्या किया, जनरल पोस्ट ऑफिस और RBI के बीच में उनको सड़क पे उनकी गाड़ी को रोका, उनको गाड़ी से बाहर निकाला। आदित्य बिरला को दी आदित्य बिरला की बात कर रहा हूँ, बाहर निकाल के उनके कपड़े फाड़े, उनकी कमीज फाड़ी, लोग हंसने लगे उनके ऊपर, उनकी पतलून भी फाड़ दी, पूरे कपड़े फाड़ के उनको कच्छे में, उनको अंडरगारमेंट्स में छोड़ दिया, और उनको बोला कि अब तुम इस समय 15 इंडिया एक्सचेंज प्लेस तक तुम पैदल चल के जाओगे। सारे बंगाली वहाँ जोर जोर से हंस रहे थे, और हुआ क्या, वो नंगे उस समय अंडरगारमेंट्स में आदित्य बिरला पैदल चलते गए, और पैदल चले, लोगों ने खूब मजाक उड़ाया। कुछ नहीं, वो घर पहुँचे, वहाँ से घर गए, अपने कपड़े पहने, गाड़ी लिया, फ्लाइट लिया, मुंबई चले गए। उस दिन के बाद कभी बंगाल वापस नहीं लौटे, वो उनका आखिरी दिन था बंगाल। अपने सारा पैसा, अपने सारे ऑफिस वहाँ से मुंबई शिफ्ट कर दिए। मैं ये सारा हिस्ट्री बता रहा हूँ, ये हुआ क्यों, बंगाल आज इस हालत पर क्यों पहुँचा। एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी के वाइस चेयरमैन, वो भी उनकी कंपनी लिक्विडेट होने वाली थी, बर्बाद मतलब ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि वर्कर्स काम नहीं कर रहे थे, तो वर्कर्स को समझा के लौटे तो उनकी गाड़ी में बम फोड़ दिया गया, वो भी वहाँ से उसके बाद निकले। ये सारी कहानियाँ देखने के बाद जो जेके ग्रुप है, जेके ग्रुप वहाँ से निकल आया। थापर इतने बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो भी बंगाल छोड़ के निकल गए। अब तो जैसे झड़ी लग गई, उसके बाद तो फिर डनलप, फिलिप्स, ब्रुकबॉन्ड, हिंदुस्तान मोटर्स, टाटा मोटर्स, ये सब बंगाल छोड़ने लगे। क्योंकि बंगाल में हालत इतनी खराब थी, लक्ष्मीपत सिंघानिया ने कानपुर से आकर के कोलकाता में बिजनेस शुरू किया था, तो उनके यहाँ भी ऐसा हुआ, उनके मैनेजर को आके वर्कर ने जब पीटा, उनकी पावर सप्लाई बंद कर दी, उन्होंने बेसिकली एक एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया चालू किया था, उनकी वो कंपनी भी बिक गई। बेटा हरिशंकर छोड़ो और दिल्ली जाओ, दिल्ली से फ्रेश चालू करो, ये बेसिकली हिस्ट्री है। 1990 आने लगा, अब तक पूरा सेंटिमेंट खत्म हो गया। अब क्या हुआ, सबसे लंबे समय से रहने वाले जो उनके सीएम थे ज्योति बासु, उनको समझ में आ गया कि बंगाल हाथ से निकलता जा रहा है, पूरा गरीबी में डूब चुका है बंगाल, अब तो भैया कुछ बिजनेस लाने पड़ेंगे, लिबरलाइजेशन का समय आ गया। वो दुनिया भर में ट्रैवल करने गए, आओ बंगाल में आओ बिजनेस करो, बंगाल में आओ बिजनेस करो। उनकी मानसिकता बदली, CPM की मानसिकता बदली कि भैया बिजनेस तो लाने पड़ेंगे यहाँ पे, और जब वो गए और दुनिया में लोगों ने उनकी सुनी नहीं, नहीं आए लोग बिजनेस के लिए वहाँ पे। एक्स फैक्ट्री आउटपुट के मामले में 91 में जब वो 6% थे, वो 2001 आते आते 3.9% रह गया, यानी कि इतना प्रयास करने के बावजूद और आधा हो गया। केवल 6% बिजनेसेस बंगालियों के थे, 94% बिजनेस बंगाल के बाहर के लोग आके बंगाल में कर रहे थे, छोटे छोटे जो बिजनेस हुआ करते थे। बंगाल जो एक समय में बिजनेस कैपिटल था, अब वो बीमारू राज्य बन चुका था। बहरहाल रतन टाटा सोचे कोई बात नहीं, 2006 में मैं आता हूँ, मैं बंगाल के अंदर चालू करूंगा टाटा नैनो। उन्होंने अनाउंस कर दिया, 1,00,000 रुपए में लटक किया गाड़ी, और उन्होंने सिंगूर के अंदर फैक्ट्री लगाने का प्लान किया, वर्ल्ड चीपेस्ट गाड़ी बनाऊंगा 1,00,000 का। 2008 तक इस गाड़ी को रोल आउट कर दूंगा। वेस्ट बंगाल एंटी इंडस्ट्री माना जाता था, उनको लगा भाई जिनसे मैंने यहाँ पे जमीन लिया है 1,000 एकड़ के आसपास, ये कहीं बुरा ना मान जाए, तो उन्होंने उनको बोला मैं तुमको 1,000 लोगों को यहाँ लोकल को यहाँ नौकरी भी दे दूंगा इस नैनो बनाने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी आ गई वहाँ, उन्होंने बोला बहुत कम है, इतनी नौकरियाँ तो बहुत कम है, ये तुम्हारा खेत ले जाएगा रतन टाटा, होबे ना होबे ना, और वहाँ पे आकर के उन्होंने धरना ले दिया। ऑपोजिशन थी, ऑपोजिशन इतना उन्होंने भयंकर मूवमेंट वहाँ चालू कर दिया, हंगर स्ट्राइक कर दी कि मैं खाबे ना, कुछ खाऊंगी नहीं, ऐसा करके उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। सारे गरीबों को साथ में लिया, जोड़ा, लोगों को लगा ममता बनर्जी हमारी मसीहा है। हाँ ठीक है, मसीहा बनी उनके लिए, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, टाटा नैनो की फैक्ट्री वहाँ खत्म हो गई, टाटा नैनो पे ताला लग गया। और जैसे ही ताला लगा, रतन टाटा ने अनाउंस कर दिया कि ठीक है जी, सिंगूर के अंदर हम बिजनेस कर नहीं सकते क्योंकि इतना लंबा धरना प्रदर्शन हमारे खिलाफ चल रहा है, हम तो आके आप सबको नौकरियाँ देने वाले थे, ना बिजनेस करने वाले थे। जैसे ही ऐसा हुआ, हरियाणा ने बोला रतन टाटा जी को आप हमारे यहाँ आ जाओ, महाराष्ट्र ने बोला हमारे यहाँ आ जाओ। तभी उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला, उनको एक SMS आया, और SMS पे लिखा था वेलकम टू गुजरात नरेंद्र मोदी। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन किया, बोला आप मुझे गुजरात बुलाना चाहते हैं, बोले हाँ आप गुजरात आइए। बोला कितने दिन में ज़मीन मिल पाएगा मुझे, बहुत मुश्किल होगा। तो नरेंद्र मोदी ने उनको बोला जल्दी दे देंगे ज़मीन। तो उन्होंने बोला जल्दी, आप सब पॉलिटिशियंस की मुझे समझ नहीं आती,
नरेंद्र मोदी ने उनको 3 दिन के अंदर 1100 एकड़ जमीन दिया। फाइनली टाटा मोटर्स सिंगूर से सानंद गुजरात चला गया। खैर मीडिया ने बोला ये गुजरात का गेन था और बंगाल का लॉस था। बहरहाल ममता बनर्जी को फायदा हुआ, लोगों को लगा कि ये हमारी मसीहा है, वो मुख्यमंत्री बन गई। अब बंगाली जो है ना वो चीटिंग में बिलीव नहीं करता है। बंगाली कभी उसको नीचे नज़र से देखा जाता है, चीटिंग को, चोरी को, वो इस सब में बिलीव नहीं करता। लेकिन समस्या क्या है, वो आलसी है। आलसी होने के कारण आज बंगाल खत्म होता चला गया। हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर हैं, इसके पास पैसा इसलिए क्योंकि मैं गरीब, मेरे गरीब इसलिए क्योंकि इसके पास पैसा, इसी मानसिकता ने बंगाल को ख़त्म किया वो। लेकिन इसमें अच्छी बातें क्या हैं, इनमें मिठास बहुत है, अंदर ही अंदर मिष्टी मिष्टी, खाने में भी मिष्टी, बोलने में भी मिष्टी, गाने में भी मिष्टी, इनका कल्चरल लैंग्वेज, उनकी आइडेंटिटी में सब कुछ मिष्टी। बंगाली दूसरी मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है हमारे देश में और दुनिया में 8वीं सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। वैसे तो त्रिपुरा की भी ऑफिशियल लैंग्वेज, अंडमान निकोबार आसाम यहाँ पर भी बंगाली बहुत बोली जाती है, स्वीटेस्ट लैंग्वेज माना गया, यूनेस्को ने बोला है। बंगाली में कोई जेंडर नहीं होता है, कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता है, उल्लू ध्वनि बहुत करते हैं, जब भी कुछ अच्छा होता है ऐसा उल्लू ध्वनि करते हैं, ये वोकल साउंड निकालते हैं। वैसे एक बार एक बंगाली लड़की मुझे मिली, मेरे को देख के बोली हॉट, मैंने कहा हॉट, बाद में समझ में आया कह रही है साइड हॉट, साइड हटने को क्या क्या ये नहीं होता साइड हॉट। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि तूने डोंगल देखा है, डोंगल, उसने बोला कौन सा डोंगल, एयरटेल का के रिलायंस का, नोई नोई आमिर खान का डोंगल, डोंगल में एक मतलब नहीं रहता है, कुछ वर्ड्स वहाँ पे अलग प्रोनाउंस किए जाते हैं। हमारे को एक बार बुला कि भाई हमारे घर पे भोजन के लिए आइएगा, तो हम लोग भी तैयार होकर पहुँच गए, भोजन मिलेगा, तो वहाँ कुछ बंगाली लोग गा रहे थे, हाँ अच्छे से गा रहे थे, और बाद में जब 1.5 घंटा बैठे को गाना ख़त्म हुआ तो हमने कहा अब, बोला कुछ नहीं कल फिर आइए 1 बजे भोजन पे, हमें बात वो भोजन नहीं था, भजन को भोजन पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। वन मोर टाइम, क्या पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो है जो सीखना नहीं चाहते, वही प्रैक्टिकल लैंग्वेज चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही पढ़े रहोगे तो आगे चल के बहुत पढ़ेंगे, जमाना बदल रहा है। शेयर करिएगा इस वीडियो को, आज नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप चैनल वर्ल्ड में हमारा बना है, पढ़े वो किस चक्कर में, हाथ जोड़ के, कोई नहीं है टक्कर में। और वैसे अगर आप भी अगर बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं पूरे बंगाल में शेयर करिए हमारे चैनल। আসলে ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল কিন্তু, এবং ইন্টারেস্টিং এর সাথে সাথে বিষয়গুলো কিন্তু সত্য। আমরা বাঙালিরা আসলে যে ধরনের মানে আমাদের বিহেভিয়ার, আমাদের থিংকিং, এই জিনিসটা কিন্তু এখানে একদম, হ্যাঁ আমরা সব সময় মানে অতীতের কথা চিন্তা করতে পছন্দ করি, অতীতে আমার এটা ছিল, অতীতে আমার ওটা ছিল, অতীতে আমি এটা করেছি, আমাদের বংশের গর্ব, বংশের গর্বটা অনেক বেশি, এটা এটা অনেক বড় একটা সত্য কথা আসলে। আর অলস এটাও বলবো যে খালি খাও দাও আর ঘুমাও, কিছু করতে হবে এটা করা যাবে না। না আরো আছে মানুষ অলস যে শুধু ঘুমায়, উনি তো ঘুমানোর কথা বললো, আমরা দেখবা যে কোথাও বাঙালি কোনো কিছু একটা করছে, ওখানে আরও 100 জন দাঁড়ায় যায় যে কী করতেছে ওরা সেটা দেখার জন্য, মানে তার অলস টাইম পড়ে আছে, তার কাজ করার দরকার নেই, আজকের দিনের মতো ইনকাম হয়েছে। নর্মালি তুমি যদি কোনো মজুরের কথা বলো যে সারাদিন কাজ করছে, একদিন কাজ করছে, কাজ করে যে টাকা পেয়েছে সেই টাকা দিয়ে সে কিন্তু একদিন চলছে, মানে 1-2 দিন চলতে পারছে, তো সেই 1-2 দিন সে আর কোনো কাজ করে না, সে চুপ করে বসে থাকে, ওই 2 দিন টাকা শেষ হবে তারপর সে আবার কাজ খুঁজবে, কাজ করবে, এরকম আছে, বহুত লোক আছে। এবং এটাও সত্য, আসলে দুপুরে যদি কখনো বের হই তাহলে দোকানপাট দেখা যায় যে অর্ধেক বন্ধ, কেন দুপুরবেলা তো বিজনেস হইতে পারে কিন্তু তারা এটা চিন্তা করে না, আমরা চিন্তা করি না, আমরা চিন্তা করি না আসলে বাঙালিরা, আসলে আমরা একটু এরকমই আমার কাছে মনে হয় যে, আর আমরা আসলে কথায় মিষ্টি অনেক বেশি সবসময়, কাজে কিন্তু এতটা মিষ্টি, হ্যাঁ আমরা এটাও ঠিক যে আমরা গান বাজনায় অনেক বেশি পরিমাণ ডুবে থাকি, সেই হিসাবে কিন্তু আমরা কাজের দিকে ঠিক ওই রকম মনোযোগটা দেই না যেটা অন্য অন্য, অ্যাকচুয়ালি গান বাজনাও এটাও আমি বলবো যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থাকে, কারণ আমাদের বাবা মা কিন্তু হচ্ছে যে তুমি মনে করো যে একটা লেভেল পর্যন্ত চিন্তা করে, আমার ছেলে মেয়ে গান শিখবে, নাচ শিখবে, আর্ট শিখবে, রাইটিং করবে, মানে সব কিছুই করবে, তারপর দেখা যায় একটা লেভেল যাওয়ার পরে ওইটা কিন্তু আর এগোয় না, কারণ একটা ব্যক্তির দ্বারা কিন্তু সব কিছু করা সম্ভব হয় না, তখন দেখা যায় যে শেষে হজর অলব, সে কিছুই হচ্ছে না। ওই যে কথাটা তো এরকমই ছিল যে আসলে আমরা চিন্তা করি যা আমাদের অভিভাবকরা চিন্তা করে অন্য ধরনের কিছু, যে কারণে হচ্ছে যে স্টুডেন্ট কিংবা যে বড় হচ্ছে সে তার নিজের প্রতিভাকে যে বের করবে নিজের মতো করে বলবে সেটা করতে পারছে না, দেখা যাচ্ছে যে প্যারেন্টস তার উপর যেটা চাপায় দিচ্ছে
হ্যাঁ, এটা বাঙালিদের ক্ষেত্রে একেবারে চরম সত্য। মানে যা কিছু করো, আমি যেটা বলবো, বাবা মা যেটা বলবে, মারা বিশেষ করে আমাদের এখানকে, এটা আসলে কি বলবো, নিজেদের নিজেদের সত্যটাকে দেখে একটু বেশি মনে হচ্ছে। কিন্তু এখানে দেখার পর বিবেক বন্ধুরা যেটা বললো, চোখের সামনে ভাসছে আসলে বিষয়গুলো সত্য, কেননা আমরা আসলে গসিপ বেশি করি এবং একসঙ্গে যদি বসা হয়, আসলে যদি পার্লামেন্টে পার্লামেন্টে সব বাঙালিরা থাকে, তাহলে সলিউশন বের হয়ে আসবেই কোনো না কোনো কিছু। না মানে দশজন বসলে এগারোটা সলিউশন আসবে, এরকমই অবস্থা। মানে মতের এতটা পার্থক্য থাকে আমাদের মধ্যে, যেটা উনি বোঝাতে চেয়েছে এটা দিয়ে, সেটা হচ্ছে আসলে আমাদের ভেতরে মতের অনেক পার্থক্য থাকে। এক একজন এক এক রাস্তা দিয়ে চলতে চেষ্টা করে, সবাই একসঙ্গে হয়ে যে কোনো একটা কাজ করবে এটা কিন্তু আসলে চায়। হ্যাঁ করি, আমরা এটা করি, নেগেটিভ ক্ষেত্রে করি। কেউ যদি আমাদের ভালো করতে আসে, না তাকে তো ভালো করতে দেওয়া যাবে না। কেউ একজন উঠে যাচ্ছে, না তাকে তো উঠতে দেওয়া যাবে না। সেই ক্ষেত্রে আমরা সবাই একসঙ্গে গিয়ে তার পিছনে লাগি, যেন তাকে সে যেন সামনের দিকে আগাতে না পারে, কিংবা সে যেন ভালো কিছু করতে না পারে। আমরা আসলে বাঙালিরা যে সব ভালো সেটা আসলে বলতে পারছি না। হ্যাঁ, তবে আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয়েছে যে 56,000 যে ইন্ডাস্ট্রি তাদের বন্ধ হয়েছে, এই জিনিসটা আমার আগে তো কখনো জানা ছিল না, কারণ আমি এটা নিয়ে কখনো পড়াশোনাও করিনি বা জানার চেষ্টা করিনি। তো এখানে জেনে মানে খারাপ লাগলো আর কি, যে এতগুলো কোম্পানি একটা জায়গাতে ছিল, তারা সবাই আস্তে আস্তে করে চলে গেছে। তা আনএমপ্লয়মেন্ট রেটটা কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে গেছে সেই তুলনায়। এটা স্বাভাবিক, যে কোনো জায়গা থেকে সব ইন্ডাস্ট্রি যদি বন্ধ হয়ে যায়, ইন্ডাস্ট্রিগুলো থাকতো তাহলে এখানকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথের সঙ্গে সঙ্গে ফিনান্সিয়াল গ্রোথ বাড়তো, সবার ইকোনমি অনেক রিচ হতো। যাই হোক, আমরা এখান থেকে অনেক কিছুই জানতে পারলাম। হ্যাঁ, আমাদের বাঙালিদেরকে আসলে পরিবর্তন হতে হবে, আমাদেরকে চিন্তা চেতনা সামনের দিকে মানে ফিউচার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে চিন্তা করতে হবে। আমরা আসলে অতীতটা নিয়ে অনেক বেশি কথাবার্তা বলি, যে আমার এই ছিল সেই ছিল, এটা না চিন্তা করে আমার ভবিষ্যতে এগুলো কিভাবে আবার পেতে পারি সেটার চেষ্টা করা উচিত। তবে হ্যাঁ, আমাদের দেশে কিন্তু এখন অনেকটা উন্নত হয়েছে, সেক্ষেত্রে বলবো যে অনেক ইন্ডাস্ট্রি এসেছে, অনেক বাইরের ইনভেস্টমেন্ট এসেছে। তো মানুষ একটু হলেও নড়ে চড়ে বসছে, যে আসলে তারা যদি কাজ না করে তাহলে আসলে ঘরে তো খাবার আসবে না, সবচেয়ে বড় কথা। হ্যাঁ, এবং আমাদের এখন ভিলেজের সঙ্গে যে কমিউনিকেশনটা এটা অনেকটা উন্নত হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে গভীর গ্রাম থেকে, হ্যাঁ রুরাল যে সমস্ত গ্রাম আছে সেখান থেকে সবজি এবং বিভিন্ন কৃষি পণ্য যেগুলো আছে এগুলো সহজে। হ্যাঁ, এবং বিশেষ করে এবারও তোমার মনে আছে যে যখন আমের সময় হলো, কিন্তু তখন কিন্তু আমাদের প্রাইম মিনিস্টার ঘোষণা দিয়েছে যে আমের ব্যাপারী যারা আছে তাদের, যেহেতু লকডাউন, আমগুলো গাড়িতে করে আসতে পারছে না বিভিন্ন সমস্যার কারণে, তো তখন স্পেশাল ট্রেন কিন্তু আমাদের এখানে চালু করেছিল, যে আমগুলো যাতে শহরের দিকে বা অন্য বিভিন্ন জায়গাতে ছড়িয়ে যেতে পারে ট্রেনের মাধ্যমে, যাতে করে সবাই এটা কিনতে পারে এবং ব্যবসাটা থাকে। তো এইসব ক্ষেত্রে দেখি আমাদের অনেক কিন্তু উন্নতি হয়েছে অনেক ব্যাপারে। হ্যাঁ, এবং ইন্ডাস্ট্রিগুলো শুধুমাত্র ঢাকা কেন্দ্রিক না, আমাদের কিন্তু ঢাকার বাইরেও অনেক ইন্ডাস্ট্রি আছে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা বিভাগে এবং ডিস্ট্রিক্টেও কিন্তু ছোট ছোট ইন্ডাস্ট্রি আছে। সেই ক্ষেত্রে আরও বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু অনেকগুলা 100টার মতো নতুন ইপিজেড ঘোষণা দিয়েছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। তো সেই কারণে কিন্তু এখন সব কিছু, আগে ঢাকা কেন্দ্রিক ছিল, কিন্তু এখন আসলে বিকেন্দ্রিক করা হচ্ছে, ঢাকা থেকে গ্রামের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা ভালো দিক আমাদের দেশের জন্য, আর আশা করব সেই সাথে ওয়েস্ট বেঙ্গলে অনেক কিছুই হবে। অ্যাকচুয়ালি মোট কথা যেটা হচ্ছে, বাঙালিদের আমাদের যে চিন্তা চেতনা আছে এটাকে পরিবর্তন করতে হবে। হ্যাঁ, এটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার, আমাদেরকে ডেভেলপমেন্ট থিংকিং করতে হবে। শুধুমাত্র মাছ খেয়ে ঘুমিয়ে যাবো এরকম চিন্তা করলে চলবে না। তবে এটা মজা ছিল যে কেউ মাছ খাচ্ছে বাসার মধ্যে, টিভিতে সৌরভ গাঙ্গুলির ব্যাটিং দেখছে, এগুলো হয় স্বাভাবিকত আমাদের দেশে। এখানে হয় সাকিব ব্যাটিং দেখে বসে বসে বাসায় গল্প করে, আর মাছ তো আমাদের, মাছে ভাতে বাঙালি আমরা, সবসময় মাছ আমাদের বেশি ফেভারিট মাংসর থেকে, তো সবসময় আসলে এগুলো হয়। তো যাই হোক, ভিডিওটা খুবই ইনফরমেটিভ ছিল এবং অনেক শিক্ষণীয় বিষয় ছিল, এবং এখান থেকে বাঙালি আমরা যারা, আমাদের আসলে এখান থেকে মোটিভেশন নিয়ে ফিউচারে কীভাবে আমরা আমাদের ডেভেলপমেন্ট করতে পারি সেটা শেখার জন্য যে ধরনের মোটিভেশন দরকার ছিল, সেটা আসলে বিবেক বন্ধুরা এখানে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। তো ওভারঅল আমরা ভিডিওটি এনজয় করেছি, আর আজকের আমাদের এই ভিডিও রিয়াকশনটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কী কী ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের মতো এখানেই বিদায়।